हेलो गाइस, अब हम एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेते हैं। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि अगर आप 12th के बाद IAS का फाउंडेशन कोर्स शुरू करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए स्वयं क्लासेज प्ले स्टोर से और उस पर रजिस्टर कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पादन के क्षेत्र, यानी कि उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि उत्पादन होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। उत्पादन का मतलब होता है कोई भी वस्तु या सेवा जिसका निर्माण किया जाए किसी व्यक्ति द्वारा या किसी श्रमिक द्वारा, किसी भी के भी द्वारा, किसी संसाधन द्वारा अगर उसका निर्माण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादन, यानी कि किसी भी वस्तु को बनाना। तो उसको एक कैटेगरी वाइज अगर बांट ले तो उसको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अगर बांट ले तो उसको तीन प्रकार से बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तो होते हैं मेन, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो एक होता है चतुर्थक यानी क्वाड्रेंटरी सेक्टर और एक होता है क्वेनरी सेक्टर। इस प्रकार से पांच सेक्टर होते हैं, पांच सेक्टर होते हैं किसके, प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन के पांच सेक्टर हो गए कौन कौन सा, एक तो हो गया प्राथमिक, एक हो गया द्वितीयक एक हो गया तृतीयक। ये तो होते हैं मैन, ये तो होते हैं मैन। अब इसके अलावा एक होता है चतुर्थ, एक क्वाइनरी सेक्टर। इस प्रकार से कितने हो गए, पांच, तीन ये और दो ये। तो इस प्रकार से जो उत्पादन के क्षेत्र होते हैं वो होते हैं पांच प्रकार के। अब बात आती है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। इस प्रकार से इनको डिटेल में अगर हम पढ़ें तो वो हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वे वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती हैं। जैसे जैसे हो गया अपना खेतीबाड़ी, खेतीबाड़ी कैसे प्राप्त की जाती है, नेचुरल रूप से प्राप्त की जाती है। वे वस्तुएं जिनका उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन और खनन। खनन यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे ये जो खनिज होते हैं उनको निकालना, ये इसको बोलते हैं खनन। जैसे अपने जो पर्वत होते हैं उनको तोड़ना भी क्या होता है, खनन होता है। लेकिन भारत के अंदर जो माइनिंग होती है यानी कि जो खनन होता है वो और विद्युत उत्पादन, इनको द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। द्वितीय में क्यों रखा जाता है, जैसे मान लीजिए माइनिंग की बात कर रहे हैं, माइनिंग में जैसे अपने कोई पदार्थ निकाल रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है उसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए प्रोसेसिंग का काम अगर आ जाता है तो वो किसका काम आ जाता है, वो होता है विनिर्माण, यानी कि किसी वस्तु को बनाने की प्रक्रिया। इसी प्रकार से विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधन लगाए जाते हैं। जैसे कोई भी बिजली उत्पादन हो रहा है तो
तो उसके लिए जो बड़े बड़े रिसोर्सेज होते हैं वो लगाए जाते हैं, इसलिए इसको भी हम किस में रखते हैं, द्वितीय में। द्वितीय में क्या होता है, विनिर्माण होता है, या फिर कोई भी चीज़ को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कोई इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कोई भी पदार्थ बनाया जाता है तो उसको हम रखते हैं द्वितीय के अंदर। तो अब बात आती है कि द्वितीय के अंदर किसको रखते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में वे वस्तुएं रखी जाती हैं जिनका निर्माण या विनिर्माण किया जाता है, यानी कि जिनको जो प्राथमिक वस्तुएं थी, जैसे मान लीजिए कृषि से हमने कोई वस्तु प्राप्त की, अब कृषि से हमने प्राप्त किया टमाटर, ठीक है, अब कृषि से हमने टमाटर प्राप्त किया तो टमाटर को तो रखेंगे किसमें, प्राथमिक में, फर्स्ट में। लेकिन अगर इसको प्रोसेस करके हमने इसका सॉस बना लिया या इसकी चटनी बना ली, तो इसको अब हम किस में रखेंगे, अब इसको रखेंगे सेकेंडरी के अंदर। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर निर्माण और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो हम कर चुके हैं, इसलिए अभी कि कौन से सेक्टर में आ गया, ये आ गया द्वितीय के अंदर। जैसे उद्योग निर्माण कार्य, जैसे कोई भी मकान बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, फ्रिज बनाना, फ्रिज के अंदर कौन कौन जो कंपोनेंट होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, वो उद्योग के अंदर आ जाता है। ये किस में आएगा, उद्योग के अंदर, और उद्योग को किस में रखा जाता है, सेकेंडरी के अंदर। अब बात आती है टर्सरी की, तृतीय की। टर्सरी सेक्टर के अंदर इसको बोलते हैं हम सर्विस सेंटर, जो द्वितीयक होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर, और इसको बोलते हैं सर्विस सेंटर, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो अपनी सर्विस देता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, पेशेंट को देखेगा और उसके बदले में अपना पैसा ले लेगा, अपनी फीस ले लेगा, वो क्या हो गई, एक सर्विस हो गई। एक होटल है, होटल वाला क्या देता है, अपना रूम देता है, खाना देता है, ये क्या हो गया, ये सर्विस हो गया। इसको अगर इस प्रकार की सर्विसेज हैं तो हम किस में रखेंगे, तृतीय के अंदर रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है, जैसे बैंकिंग सेवा, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, होटल, परिवहन इत्यादि। तो तृतीय जो सेक्टर होता है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, सेवाओं को रखते हैं। अब बात आती है चतुर्थ की। चतुर्थ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बौद्धिक संपदा होती है उन सेवाओं को रखा जाता है। बौद्धिक संपदा क्या होता है, जैसे हम दिमाग से कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं जो लोगों को काम में आती है, जिसका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। कोई भी ऐसी जो चीज होती है, जैसे हम मान लीजिए हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, एप्लीकेशन बनाई है, हमने एप्लीकेशन कैसे बनाई है, अपना दिमाग का यूज करके बनाई है, तो वो क्या हो गई, भौतिक संपदा सेवाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उच्च शिक्षा, रिसर्च, सांस्कृतिक गतिविधियां, परामर्शदात्री सेवाएं आदि, इसको किस में रखेंगे। अब वैसे देखिए, जो उच्च शिक्षा, रिसर्च और सांस्कृतिक गतिविधियां, ये क्या है, ये है बौद्धिक संपदा। अगर हमने कोई भी रिसर्च की है तो हमने रिसर्च की है अपना दिमाग लगाकर, तो लेकिन अगर हमने हमारा दिमाग लगाकर कोई नई चीज इन्वेंट की है, कोई नई खोज की है, तो वो हमारी संपदा हो गई। और इस अगर इस प्रकार की कोई सर्विस है, अगर मैं मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च की है, इस रिसर्च को अगर मैं तीसरे व्यक्ति को अगर यूज करने के लिए परमिट कर देता हूं, परमिशन दे देता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रखूंगा क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर, यानी कि चतुर्थ सेक्टर के अंदर। अब बात आती है क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक निर्णय से संबंधित सेवाएं होती हैं। उच्च स्तर राजनीति का मतलब हो गया, जो भी जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसका पीएम है, सीएम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वहाँ का राष्ट्रपति है, ये क्या होते हैं, अपने निर्णय से एक बहुत बड़े समुदाय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर वो मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा जो निर्णय ले रहे हैं इससे बहुत बड़ा सेक्टर प्रभावित हो रहा है, तो उस प्रकार का जो निर्णय होता है, उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उस प्रकार की जो सर्विस होती है, उसको रखते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री,
नौकरशाह, नौकरशाह होते हैं जैसे हम मान लेते हैं आईएएस, आईपीएस, एचडीएम, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नौकरशाह। मंत्री, मंत्री का भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा पद होता है कि वो एक बहुत बड़े समुदाय को उसके निर्णय जो होता है वो प्रभावित करता है। सीईओ होता है, सीईओ का जो मालिक होता है वो उसकी कंपनी में जितने एम्प्लॉइज काम करते हैं उसके निर्णय उस सबको प्रभावित करते हैं। मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल के सदस्य, ये जो होते हैं इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं, इन प्रकार के जो ये सेवाएं देते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं उसको किस में रखेंगे, उसको रखेंगे क्वाइनरी सेक्टर के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, क्वाइनरी सेक्टर के अंतर्गत घरेलू कार्यों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से सेक्टर होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू सो मच।